जब वो आया बहुत गुस्सा, इंद्र बैठा हुआ है खाली प्लेट लेके, अभी आएगा मेरा खाना, अभी आएगा मेरा खाना, कहाँ के ब्रजवासी। और अपने एक सेनापति को बोला कि जाके देख क्या क्या हुआ, खाना कहाँ गया। तो बोले सर आपका खाना गया। बोले गया कहाँ गया। बोले साहब एक पर्वत किनारे, एक बड़े सा पर्वत है गोवर्धन, उसको खिलाया। तो बोलते किस किसने ये करवाया, हाँ इतना दुस्साहस, मैं इंद्र हूँ, हाँ मैं सभी देवताओं का राजा हूँ, मेरे को बुला के खाली पेट लगवा के चले गए, किसने करवाया। तो वो जो उनका जो सेनापति था वो बोले ये छोटा सा गधा है, उसका नाम कृष्णा है, उसने करवाया। तो बोले इंद्र बहुत गुस्सा है, बोले क्या इतने सालों से मेरे को पकवान देते थे, छोटे से कृष्णा पता नहीं कौन एक है उसका बात मान के मतलब मेरा पूजा पाठ करवा दिया। हाँ कॉमन सी बात है, उससे आएगा, आप किसके घर गए हो खाली प्लेट दे दिया, आपको खाना नहीं दिया, उससे आएगा कि नहीं। आप कैंटीन जाओगे अपनी खाने, हाँ आप कहोगे कैंटीन में इडली मिलेगा, पैंटिस मिलेगा, सैंडविच मिलेगा, केक मिलेगा, बट आपका कैंटीन वाला कुछ नहीं मिला है, आप क्या करोगे। Thank you.
उसके नीचे नीचे कौन करके फिसल गए, ओके? एंड नॉर्मली पर्वत के नीचे गंदगी होगा, पर्वत के नीचे गंदगी होगा, यस और नो? तो वो पर्वत के नीचे पैर जल्दी स्लिप कर लिए एंड पंप करके ऐसा अपने छोटे से उंगली में उठा लिए, ऐसे आप लोग इसे पेंसिल उठा लो, पेंसिल इसे पेंसिल उठा लो, तो बिल्कुल उसी तरीके से कृष्णा बहुत इजीली बड़े से पर्वत को उठा लिया। हाँ, एंड एवरीवन इज लाइक शॉक कि क्या इतना बड़ा पर्वत छोटी सी उंगली में, एंड ऑल राइट सबको कृष्णा ब्रजवास के पिंड के अंदर आ लो, कुछ नहीं होगा, तुमने गोवर्धन को पूजन किया, तुमने गोवर्धन को इतने सारा खाना दिया तो गोवर्धन अब तुम्हारी रक्षा करेगा, ओके? एंड वहां पे यशोदा मैया बोल रही है नहीं 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 मत जाओ उसके अंदर, कि पता नहीं कैसे छोटी सी उंगली में इतना बड़ा पर्व भी पका गिरेगा, ओके? कैन यू इमेजिन, समझ आ रहा है? 7 साल का बच्चा इतने से उंगली में इतना बड़ा पर्वत गिर के कि बिल्डिंग से बड़ा है, बहुत बड़ा था गोवर्धन, ओके? एंड सबको मिला रहे, एंड पता है गोवर्धन के नीचे इतना जगह था कि पूरा जो ब्रज गांव है, इवन की एनिमल्स बर्ड्स सब उसके अंदर आ गए, इतना जगह था, एंड उसके अंदर ऐसे कोई बचना नहीं था, ओके? गोवर्धन का नीचे एकदम एक छोटा सा गांव बन गया था, जहां पे कृष्णा होते हैं वहां पे ये सब मैजिक हो सकता है, ओके? सो गोवर्धन के नीचे, ओके, इतना स्पेस था कि पूरा गांव उसके अंदर आ गया, जितने भी छोटे बच्चे बड़े जो गांव वाले छोटे गांव वाले सब आ गए, सब इवन के उनके गाय भी, इवन के जंगली जानवर भी उसके अंदर आ गए, और आपको पता है जब अंदर आए तो कृष्ण एक छोटे से स्टोन के ऊपर ऐसे करके खड़े थे, एंड पूरा ऐसे भी नहीं हो रहा था, ऐसे ऐसे भी गोवर्धन हिल नहीं रहा था, पूरा सही था, और इधर गोवर्धन जो पर्वत है उसको बड़ा मजा आ रहा था, हाय कृष्णा भगवान है उन्होंने मुझे उठाया है, उसको बड़ा खुशी लग रहा था, हाँ क्योंकि कृष्णा ने ऐसे पकड़ा था तो उसको खुशी हो रहा था, क्योंकि पर्वत को खुशी हो रहा है तो पर्वत के ऊपर जो पेड़ थे पेड़ से सारा फ्लावर नीचे गिर रहा था, तो एक्चुअली गोवर्धन के नीचे गार्डन बन गया था, सुंदर सा ग्रीन गार्डन, ओके? और सभी ब्रजवासी जब नीचे आए इतना स्पेस था, आपको पता है गोवर्धन के नीचे का जो फ्लोर था कचरा नहीं था, मार्बल से बना था, जुएल से, जैसे ये कुछ भी नहीं, जुएल से बना था, जुएल पता है डायमंड देखा है सोना सोना किस चमकता है, तो जुएल बना था ना, और जब ब्रजवासी आए एंड खाने पीने का भी सुविधा, ऐसा नहीं कि ऐसे ही खड़े, खाने पीने का भी सुविधा है उसके अंदर, कृष्णा ने ऐसे अकोमोडेशन किया था, बेसिकली बच्चे लोग गोवर्धन का नीचे एक छोटा होटल बना दिया था कृष्णा ने, ही लव्स दिस ब्रजवासी, उनके कृष्णा अपने गांव वालों को इतना प्यार करते हैं, और इंद्र को भी सबक सिखाना था ना, इंद्र इधर से क्या कर रहा है, खाली पानी बरसा रहा है, ओके, एंड विच स्टॉर्म भेज रहा है, ब्रजवासियों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ब्रजवासी आराम से गोवर्धन के नीचे पार्टी कर रहे हैं, कृष्णा मुरली बजा रहे, ये लोग अपना डांसिंग कर रहे अंदर, और ऊपर से इंद्र ने फोन लगा लिया, सारा पानी, ओके, सारा जो उसका था थंडर स्टॉर्म सब गए, पर गोवर्धन के ऊपर कुछ नहीं हुआ है, ब्रजवासियों को कुछ लगा भी नहीं, एंड आपको पता था कितने दिन के लिए इंद्र ऐसा कर रहा था, यू नो हाउ मेनी डेज ही वाज डूइंग लाइक दिस, 7 days 7 nights, 7 days 7 रात, ओके, खाली पानी बरसा रहा है, खाली थंडर स्टॉर्म भेज रहा है, पर किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ऊपर भी, ओके, ऊपर भी थंडर स्टॉर्म है तो नीचे भी इधर कृष्णा का पार्टी चल रहा है, सब लोग डांस कर रहे हैं, सब लोग भूल ही गए कि एक्चुअली इतना खराब सिचुएशन था भी, 7 दिन 7 रात के लिए नाच रहे, खा रहे, पी रहे, मस्ती कर रहे, किसी को मन ही नहीं है बाहर जाके देखने के लिए क्या हो रहा है, ओके, बिकॉज कृष्णा इज सो ब्यूटीफुल, एंड जब कृष्णा मुरली बजाते हैं तो सब वैसे भी पागल हो जाते हैं, ओके, तो कृष्णा मुरली बजा बजा के 7 दिन 7 रात के लिए ऐसे पकड़ के रखा हुआ था, और पता है
पानी खत्म हो गया। ये इतना पानी बरसाया, इतना पानी बरसाया, बोलते उसको बुलाओ, बोले ग्राउंड पर पानी है नहीं, राजा क्या करे। तो बोलते क्या बोल रहे हो, सब पानी खत्म हो रही। इंद्र को ऐसे ऐसे हो गया था, उसका हालत ढीला, और इंद्र कृष्णा स्ट्रॉन्गली डांस कर रहे। तो फिर इंद्र को पता चला कि बाप रे, सात दिन सात रात तक जो इतने बड़े को छोटी सी उंगली में पकड़ रहे, वो कोई साधारण बच्चा हो नहीं सकता, वो तो मेरे नेट पे मास्टर है। तो इंद्र को पता चल गया कि गलती हो गई है बाबा, ये तो मेरे भी बाप निकला। यस, और इंद्र के पास अभी ऑप्शन नहीं था, क्या करूं, कैसे सॉरी बोलूं। कई मेरा इंद्र वसन की इंद्र क्या राजा थे, उनको डर था कहीं कृष्णा उनको लाती। सो ब्रह्मा देव को बोलते थे कि देखो देखो, मैं मेरा इंद्र का पोजीशन सही है कि नहीं, डर लगने लगा, ठीक है। एंड इवन दशरथ जी खा पी के सात दिन सात रात के लिए पाकी करके जब इंद्र हो गए, ओके, फिर ब्रजवासी बाहर निकले। एंड आपको पता है इतना बारिश हो रहा था तो ब्रज डूब जाना चाहिए, देखो ना, घर बार सब डूब जाना चाहिए और सब ट्रीज भी डूब जाना चाहिए। जब इधर साइक्लोन होता है क्या होता है, सब तहस नहस हो जाता है। पर वृंदावन में एक छोटा सा घास का तिनका भी नहीं टूटा था। Imagine, इतना बारिश हुआ, इस लेवल का बारिश हो रहा था, इतना बिजली बरसा, वृंदावन में एक घास तक भी नहीं टूटा। So this is how Krishna protects. हाँ, इंद्र ने पूरा फोर्स लगा दिया, सब कुछ ट्राई किया, but कुछ नहीं, वृंदावन जैसे का तैसा। उल्टा कृष्ण ने बोला, Oh, sun god, सूर्य देव, हमें रोशनी सनसेट। तो एक कृष्ण ने बोला सन वर्ड चलाओ, सुखाओ वृंदावन को। तो जो थोड़ा बहुत पानी था वो भी सूख गया, सन वर्ड ने सब सुखा दिया। एंड इतने बड़े साइक्लोन के बाद भी ब्रजवासियों को कुछ भी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि जब डिफिकल्ट टाइम आया तो ब्रजवासी किसके पास गए हेल्प मांगने, कृष्णा के पास गए। इसका मतलब इसे क्या सीखने मिलता है, जब हमारे साथ भी कुछ डिफिकल्ट टाइम होगा हमें किसके पास जाना चाहिए, किसको बुलाना चाहिए, कैसे बुलाओगे? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे राम, हरे राम।
अभी इंटरेस्टिंग पार्ट सबने ध्यान से सुना है, सबका सब कुछ याद है, तो नाउ वी विल प्ले अ गेम, रेडी? ओके, तो अभी हम लोग एक गेम खेलेंगे, देयर आर ट्यू आप लोगों के लिए क्वेश्चंस है, जो पहले हैंड रेज करेगा वही बोलेगा, चिल्ला के नहीं बोल सकते, चिल्ला के बोलोगे तो फिर हाथ नहीं खुलेंगे, ठीक है? तो जब मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, व्हाट विल यू डू? Raise your hands up high, put a sword say. Or koi chila nahi sakta. Promise? So, finger on your lips and let Africa. Okay, so game ka rule kya hai? Question ka bhai kya karna hai? Chila ke nahi bolna hai. Varna nahi milega, prize nahi milega. Theek hai? Okay, hi.
that you will be quiet. Promise that you will be quiet. And you are very good person. You were very quiet. And now it's time to the miss is saying that you sit and dance. Can you sit and dance? Okay. No, it's alright. No issues. What we can do is, instead of dancing like monkeys and donkeys, we dance like human beings. Okay? We dance like human beings. So what you need to do is, see, if you become naughty, your miss will not. But we want you to be really good girls and girls. We'll stand up at our place quietly. Don't hit each other. Don't pinch each other. Just we will, what we do is dance. Is that a promise? Yes, I can understand. Okay, we have one thing. Right now, please sit down. Once the kirtan plays towards the end, we'll... yes. Yeah.
किसी के साथ टकराएगा नहीं, अपने अपने स्थान पर, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Thank you.
दरकार ना हां ने इधर पूरा लागो आओ खाली इधर काट दो इधर देखो इतने ही वीडियो कर दो हां इतने ही कर साउंड एक्सियो के नहीं कोई Thank you.
ଆଜ୍ଞା ଲାଗୁଛି ବେଶୀ ଜଣ ଖାଉନାହାନ୍ତି ମାନେ ମିଠା ଜିନିଷଟା ତ ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ କମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଡଙ୍କି ଡଙ୍କିଠୁ କମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ବାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଡଙ୍କି
ಮತ್ತೆ ಘರ ಹಾಂ
There is Intumati Mataji, the host of the program. He is our cameraman, photographer, Sri Ram Prabhu, Bhavagrahi Prabhu. You want some prasad? Then come and visit ISKCON Bhubaneswar. Delicious halwa prasadam will be served to everybody. Next time we have some pizza. Okay.